गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन एंड डियर पेरेंट्स, एलकेजी क्लास हिंदी में आप सबों का स्वागत है। तो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित एवं स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, मिस आज आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रही है और बहुत ध्यान से आपको इस कहानी को सुनना है। मिस आपको जो आज कहानी सुनाने जा रही है उसका शीर्षक है असली पढ़ाई। रिंकी और टिंकू दो जुड़वा भाई बहन थे। वो दोनों एक ही क्लास में और एक ही स्कूल में पढ़ते थे। दोनों पढ़ने में काफी अच्छे थे। रिंकी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह पूरी की पूरी किताबें मन लगाकर अच्छे से पढ़ा करती थी। वहीं पे टिंकू जानता था कि उसे एग्जाम में कितना पढ़ना है और किस तरीके से नंबर उठाना है, उसे कितना पढ़ना है, वह उतना ही पढ़ा करता था। एक दिन दोनों बच्चों ने अपने पिताजी से जिद किया कि हमें साइकिल चाहिए। तभी पिताजी ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं साइकिल किसी एक ही को खरीद सकता हूँ क्योंकि मेरा बजट एक ही साइकिल का है। तभी पिताजी ने कहा, तुम दोनों मन लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, तुम्हारा परीक्षा भी एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ रहा है। जो क्लास में फर्स्ट आएगा और टॉप करेगा, मैं उसे नई साइकिल खरीद दूंगा। दोनों बच्चे मन लगाकर बहुत अच्छे से पढ़ाई में जुट गए और मन लगाकर पढ़ाई करने लगे। तभी रिंकी पढ़ाई कर रही थी और टिंकू आता है और टिंकू कहता है, रिंकी तुम क्या कर रही हो? तुम पूरी की पूरी किताबें पढ़ रही हो, इस तरीके से तुम पूरी किताबें नहीं पढ़ पाओगी और एग्जाम में अच्छा नंबर नहीं ला पाओगी। तभी रिंकी कहती है, नहीं मुझे पूरी किताबें पढ़नी है क्योंकि आखिर में तो ये किताबों में से ही आएगा ना एग्जाम में। तभी टिंकू कहता है कि मैं तो पूरी किताबें नहीं पढ़ूंगा, मुझे मालूम है परीक्षा में नंबर कैसे लाया जाता है और ट्यूशन वाले सर ने हम लोगों को बताया भी है ना कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या एग्जाम में आएगा, मैं तो उतना ही पढ़ूंगा। और टिंकू बहुत स्मार्ट था, टिंकू उतना ही तैयारी करता है और अच्छे से वो दोनों का एग्जाम का दिन आ जाता है और वो दोनों जाते हैं एग्जाम देते हैं और काफ़ी अच्छे से दोनों का एग्ज़ाम हो जाता है। वो घर आते हैं बहुत खुशी खुशी और घर आकर बताते हैं कि हम दोनों का एग्ज़ाम हो गया और बहुत ही अच्छे से हमारा एग्ज़ाम गया है। कुछ दिनों के बाद रिजल्ट का दिन घोषित होता है और रिजल्ट का दिन आ जाता है। तभी हमेशा की तरह वैसा ही होता है जैसा हर बार होता है कि नंबर टिंकू के ज़्यादा आए हैं, नंबर टिंकू के ज़्यादा आए हैं और टिंकू ने क्लास में फर्स्ट किया है, वह क्लास में टॉप आया है। तो शर्त के मुताबिक पिताजी ने साइकिल किसे दी है? टिंकू को दी है और टिंकू बहुत खुश हो गया कि मुझे साइकिल मिल गया। और जब माँ ने साइकिल दी तो माँ ने क्या कहा बच्चों? माँ ने कहा कि यह साइकिल तुम दोनों की है, तुम्हारी अकेले की नहीं है, तुम दोनों की है, तुम दोनों इस साइकिल को चलाना और खेलना। लेकिन टिंकू कहाँ किसी की सुनने वाला था, टिंकू तो अकेले ही साइकिल चला रहा था। उसी दिन रिजल्ट के दिन ही पिताजी जब घर आते हैं शाम को, तब वह कहते हैं कि तुम दोनों का अच्छा रिजल्ट आया है, उसी खुशी में हम लोग सभी आज बाहर चलते हैं और हम लोग बाहर ही खाना खाएंगे। वे सभी बाहर जाते हैं और बाहर खाने के लिए जाते हैं और जैसे ही वो लोग होटल में खाने के लिए जाते हैं और खाकर जब वो बाहर निकलते हैं, तभी उन लोगों के सामने दो तीन व्यक्ति आकर खड़े हो जाते हैं और वे लोग कहते हैं कि हम लोग जीवन साइकिल के प्रमोशन कर रहे हैं, हम लोग जीवन साइकिल की तरफ से आए हैं और यह एक छोटा सा क्विज है बच्चों के लिए और जो भी इस क्विज में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा और सारा सवाल का जवाब जब अच्छे से वो देगा तो उसे क्या मिलेगा? उपहार मिलेगा। और उपहार में जीवन साइकिल का
जीवन साइकिल का टॉप का साइकिल हम लोग देंगे और उसके साथ साथ हम लोग बच्चों को कुछ उपहार भी देंगे। उपहार में जैसे हम लोग बैग बॉटल भी देंगे। तभी उन लोगों ने दोनों बच्चों को क्विज के लिए क्वेश्चन दिया और रिंकी तो पूरा बुक पढ़ा करती थी और जैसे ही उसने क्वेश्चन देखा वो बहुत खुश हो गई क्योंकि ये जो क्वेश्चन था ये उन लोगों के स्कूल के किताबों में से ही था पूरा। और टिंकू ने भी पेपर लिया। दोनों बच्चे क्विज में पार्टिसिपेट किए और रिंकी ने तुरंत ही क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया और समय से पहले ही पेपर जमा कर दिया। तभी टिंकू ने बहुत ध्यान देकर क्वेश्चन को पढ़ा लेकिन उसे उसका आंसर नहीं समझ में आ रहा था। उसने भी जितना उससे बन पाया बना करके पेपर को जमा कर दिया। तभी जो क्विज ऑर्गेनाइज किए थे उन्होंने कहा, अरे वाह, तुमने तो समय से पहले ही सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। और उन्होंने विनर घोषित किया। तभी उन्होंने कहा कि 100% मार्क्स के साथ रिंकी ने जीता है और उन्होंने रिंकी को एक जीवन साइकिल टॉप साइकिल उन्होंने गिफ्ट किया और रिंकी बहुत खुश हो गई। तो बच्चों आप बताइए कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है। हमने इस कहानी से सीखा है कि हमें कभी भी सिर्फ नंबर के लिए बच्चों नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ बस एग्जाम में इतना नंबर आ जाए, इतना ही क्वेश्चन में से आएगा, उसके लिए नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोगों को हमेशा ज्ञान के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ना है। इस क्विज से क्या मालूम चला? इस क्विज से ये मालूम चला कि टिंकू कितना पढ़ाई करता था। टिंकू सिर्फ उतना पढ़ता था क्योंकि वो जानता था कि इतना क्वेश्चन सर ने बताया है इसी में से आएगा और वो सिर्फ उतना ही तैयारी करता था। लेकिन रिंकी कोई शॉर्टकट नहीं अपनाती थी, वे पूरी की पूरी किताबें पढ़ती थी। और इस क्विज में यही हुआ ना बच्चों, उसने पूरी किताबें पढ़ी थी इसीलिए उसने सारे आंसर दे दिए और टिंकू ने सारे आंसर नहीं दे पाए क्योंकि वह पूरी किताबें कभी नहीं पढ़ा करता था। तो इस तरीके से बच्चों आपको भी यही सीख मिलती है कि हमेशा हम लोगों को पूरी किताबें पढ़नी चाहिए, ना कि हमें कोई शॉर्टकट यूज करना चाहिए। धन्यवाद।